आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर से। घर पे बैठ लेना, बैठ। हाँ लेंगे, बोलिए ना। मैं माइक ऑन डाउन बजा रहा हूँ। लेंता सर दिन खत्म हो गया, खत्म हो गया। प्रेसिडेंट Come on,
मुसलमान भाइयों का शब बारात का मौका है आज, तो होली का भी है हिंदू भाइयों का, तो हमारा भी आज पूजा का आखिरी दिन है तांके चौंगा जो बुद्ध पूर्णिमा है, तो इससे अच्छा खुशी की बात तो और कोई हो ही नहीं सकता, और तो हम लोग लाइफ में या ज़िंदगी में देख भी नहीं सकते इससे चीज़, तो हमें बहुत खुशी की बात है अमन शांति के साथ इस करगिल के मुकाम पे या करगिल के जगह पे, तो सब त्योहारों साथ साथ मनाने का हमें अवसर मिल रहा है हमें, तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता है। हम सभी मुसलमान भाई हो या सब करगिल के लोगों को दिल के अहमियत गहरियों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतना प्यार मोहब्बत से हमें यहाँ पे ये मौका फराहम किया, तो हम तो पहले तो हम थोड़ा सा 15-20-25 लोग आके यहाँ पे मनाते थे पहले तो जी जी। तो इस टाइम हमें इतना कम से कम 300-400 नफर आके यहाँ पे मना रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी की बात हो रहा है। दूसरी चीज़ बात यह है कि हमें करगिल के लोगों की तरफ से भी हमें नया गंपा बनाने का, नया गंपा तामीर करने का हमें जो है जगह दिया हुआ है उधर कुरपथांग में, तो हमें वहाँ पे भी जल्दी बन जाएगा, तो उसके बाद हम वहीं पे मनाएंगे, तो हम करगिल के लोगों का या कौंसल के सभी हमारे सीसी से लेके कौंसल में जितने भी वो सब का मैं शुक्रिया अदा, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, तो हमें इस तरह के मौका फराहम किया, तो हमें और भी हम करगिल के सारे बुद्धिस्ट के लोगों की तरफ से या लद्दाख के सारे लोगों की तरफ से इतना अमन शांति भाईचारा होना बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो पिछले 2 साल से बराबर आप लोग यहाँ पे टांपे चौहान मनाते आ रहे हैं सर, उसमें आप लोग क्या कितने खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे बरादरी बुद्धिस्ट भाई लोग? यही सर हम कहना कह रहा था आपसे, तो हम आज कुछ मतलब 30-40 साल हो गया, थोड़ा सा हमें में दूरी महसूस हो गई, क्योंकि हम लोग आजकल गाड़ियाँ हो गया, लोग पढ़ा लिखा हो गया, तो इसके बीच में हमारा थोड़ा दूरी, नहीं तो हमारे लोगों में तो बहुत करगिल के लद्दाख के लोगों में बहुत आपस में भाईचारा था, क्यों एक दूसरे के पास बैठना आना जाना उठना बैठना होता था पहले, तो अभी फिर वही दोबारा हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे लद्दाख में कि लोगों के साथ इस तरह मतलब के प्यार मोहब्बत से रहने के लिए, तो ये हमें बहुत खुशी की बात है। जिस तरह पिछले 2 साल से आप लोग यहाँ पे टांपे चौहान मनाते आ रहे हैं सर, तो क्या आप लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हमें मुश्किलों का सामना पड़ रहा है। पिछले साल हमारा छछियों पलका रिम्पोचे आके पधर के यहाँ पे पूरा टांपे चौहान मना के हमारा ये तरचो वगैरह लगा के पूरा पूजा करके गया था, इस साल हमारा खनपो दुर्जी जी के नेतृत्व में हमारा पूजा हो रहा है, तो हमें किसी की तरफ से भी कोई एक बात का भी ऊंच नीच का हमें कोई महसूस नहीं हो रहा है, तो हमको खुशी खुशी मिल रहा है। हमारे यहाँ पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि आपको कुछ सामान की ज़रूरत है, कोई बर्तन की ज़रूरत है, कोई चीज़ का ज़रूरत भी होगा तो हमसे ले लो करके हमारे पड़ोस के लोग यहाँ पे, तो इससे अच्छा खुशी और क्या हो सकता है हमारे लिए। तो जिस तरह जितने भी आज तक जो यहाँ पे खुसूसन हमारे जो गंपे के करीब जो मोहल्ले हैं उनके खिलाफ जितने भी जो बातें कहे जाते थे, क्या आपको वो सच लग रहे थे या कि वो झूठ नज़र आ रहा है आपको? मतलब कैसे जैसे? मतलब इसी तरह कि यहाँ पे आप लोगों को आने नहीं देते थे, पूजा करने के लिए लोग नहीं करते थे, उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, जब से मैं आया मेरे को अभी 3रा साल चल रहा है, उससे पहले भी मैं काम कर चुका हूँ इधर एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो तब से तो हमें तो कोई ऐसा कोई किसी के साथ ऐसा हमें तो कोई नहीं मिला, बाकी पहले की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, कभी पहले तो पुराने ज़माने में कुछ ऐसा हुआ भी होगा। जब तक हम अपने तरफ से कुछ किसी को गलत नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मैं दूसरे की तरफ से मुझे हमें कुछ ऐसा एक्शन मिलेगा, तो हम तो यही चाहते हैं कि सब आज देखो इतना खुशी की बात हो रहा है कि इससे अच्छा खुशी और क्या हो सकता है हमें। तो एज ए LBA प्रेसिडेंट आप हमारे करगिल के आवाम को क्या मैसेज दोगे? कल हमारा ईद भी और होली भी साथ में आ रहे हैं, तो क्या मैसेज दोगे सबको? पहले भी कह चुका हूँ हमारे मुसलमान भाइयों को शब बारात के लेके ईद के मौके पे दिल के अहमियत गहरियों से मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और होली के मौके पे हमारे हिंदू भाइयों को सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आगे भी इसी तरह ये सिलसिला चलते रहे तो हम एक दूसरे का भाईचारा और लेना क्या हमने ज़िंदगी में, तो यही भाईचारा हमने यही खुशियां बढ़ते जाना है, तो हम सबको शुक्रिया अदा करना। थैंक यू।